खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। तो कप्तान ने भरोसा जताया है प्रतीक त्रिपाठी पर। प्रतीक त्रिपाठी जी अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का पहला ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे उनका। तो प्रतीक त्रिपाठी तो प्रतीक त्रिपाठी बॉलिंग लाइनअप पर तैयार। ये गेंद, बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट और बॉलर थ्रू में स्वयं प्रतीक त्रिपाठी के द्वारा फील्ड किया गया। मोहम्मद अहमद बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और लगातार पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी की है और कप्तान ने भरोसा जताया है कि प्रतीक त्रिपाठी ये गेंद, बढ़िया गेंद, रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी क्रीज पर सुरक्षित। बढ़िया गेंदबाजी प्रतीक त्रिपाठी के द्वारा। चहकते खिलाड़ी हैं पूर्वांचल के और गोरखपुर के, सबसे महंगे खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट के, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। प्रतीक त्रिपाठी 28 नंबर जर्सी के साथ गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद, बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट लेकिन गेंद सर्किल के अंदर फील्ड की गई, कोई रन नहीं। लगातार बढ़िया गेंदबाजी करते हुए वेरिएशन लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है प्रतीक त्रिपाठी के द्वारा। प्रतीक त्रिपाठी पुनः बॉलिंग रनअप पर तैयार होते हुए और सामना करेंगे उनका मोहम्मद। ये गेंद, बढ़िया गेंद, बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया पॉइंट की ओर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। तब तक खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती, इतना मौका था कि अपना छोर बदल सके। खाता खोला टीम कुर्ता कलेक्शन ने और मोहम्मद ने अपना खाता खोला एक रनों से। प्रतीक त्रिपाठी ये गेंद, बढ़िया गेंद और चतुराई भरी बल्लेबाजी देखने को मिली है अन्नू के द्वारा। छोर बदला अपना अन्नू ने, वापस स्ट्राइक अब मोहम्मद के पास। चार गेंदों पर एक रन बनाकर क्रीज पर मौजूद मोहम्मद अहमद भाई बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, सीनियर बल्लेबाज हैं और बढ़िया आत्मविश्वास से परे हैं। बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट अपसाइड पर खेल दिया। तब तक खिलाड़ी वहां पर फील्ड करता एक रन लेने का मौका, छोर बदला अपना ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर टीम कुर्ता कलेक्शन। तो दोनों ही टीमें जानती हैं कि अगर पॉइंट टेबल में बने रहना है तो मैच जीतने होंगे, चाहे कुर्ता कलेक्शन की बात करें, चाहे जीसीसी की बात करें, चाहे अन्य टीमों की बात करें, क्योंकि सभी टीमों के पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि किसी भी परिस्थितियों में वो मैच को बदल सकते हैं। तो रोशन आए हैं, कप्तान ने रोशन पर भरोसा जताया। 4 नंबर जर्सी के साथ रोशन गेंदबाजी की पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। उस जिम्मेदारी को कहां तक निभा पाते हैं ये देखना होगा। अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का दूसरा ओवर लेकर रोशन।
कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे, सामना उनका करेंगे मोहम्मद अहमद भाई। देखते हैं क्या आज अपनी टीम के लिए क्या कर दिखाते हैं। स्वयं कप्तान हैं और जानते हैं कि कितनी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। ये गेंद बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग वहां पर। तब तक खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती, इतना मौका था मोहम्मद भाई की पास की वो अपना जोर बदल सके। मैं तो मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मोहम्मद अहमद को। रोशन ईशान शर्मे के लुक के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंद और बढ़िया फील्डिंग। ऐसा लग रहा है कि गेंद सिर्फ वैसी फील्डर के पास जा रही है और उतना ही अच्छा कलेक्ट देखने को मिल रहा है फील्डर के द्वारा। 10 नंबर 18 नंबर जर्सी के साथ फील्डिंग कर रहे हैं रोशन। बॉलिंग रनअप पर तैयार, सामना करेंगे उनका मोहम्मद अहमद भाई। बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट, और कुणाल ने वहां पर गेंद फील्ड की, कोई रन नहीं अभी तक। पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर बॉलिंग करते हुए रोशन। तो अन्नु आए हैं, बढ़िया प्लेसमेंट वहां पर देखने को मिला है अन्नु के द्वारा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लगातार अच्छी गेंदबाजी करती हुई टीम जीसीसी। तो रोशन अन्नू के लिए निकल कर मारने का प्रयास, बढ़िया प्लेसमेंट, कवर ड्राइव किया। जब तक प्रतीक के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती, इतना मौका था कि वो छोर बदल सके, छोर बदला। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर टीम कुर्ता कलेक्शन। तो दोनों ही टीमों की तुलना की जाए तो दोनों ही टीमें अपने अपने स्थान पर बढ़िया खिलाड़ियों के साथ उतरी हैं, अच्छे अच्छे स्टार हैं दोनों टीमों में। तो आज यहां पर कौन टीम किस टीम पर भारी होती है ये देखना होगा। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी और कप्तान भली भांति जानते हैं कि कितना बहुमूल्य मैच है। अगर पॉइंट टेबल में बने रहना है तो मैच जीतने होंगे। ये गेंद, बढ़िया गेंद प्रतीक त्रिपाठी के द्वारा, और रनआउट का चांस हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट लगती तो, लेकिन आसानी से वहां पर रन पूरा किया अन्नू ने, छोर बदला अपना। मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज अन्नू को। अब वापस एक बार फिर से पुनः स्ट्राइक मोहम्मद भाई के पास। कप्तान हैं और जानते हैं कि पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, उस जिम्मेदारी को बेखूबी निभा पाते हैं या नहीं। ये गेंद, बढ़िया गेंद ऑफ साइड पर, कवर ड्राइव कर दिया है। तब तक खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती, एक रन लेने का मौका, छोर बदला अपना मोहम्मद भाई ने। अब एक बार फिर स्ट्राइक अन्नू के पास। प्रतीक त्रिपाठी इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी, 28 नंबर जर्सी के साथ। ये गेंद, बढ़िया गेंद, और जितनी अच्छी गेंदबाजी उतनी ही अच्छी चतुराई भरी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है दोनों खिलाड़ियों के। अभी तक कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रहे हैं दोनों खिलाड़ी। जानते हैं कि कभी भी किसी भी परिस्थितियों में वो मैच पलटने का मद्दा रखते हैं। बार बार आपस में बातचीत करते हुए दोनों खिलाड़ी, और मोहम्मद भाई ये जानते हैं कि बड़ा मैच है उनके लिए और उनकी टीम के लिए। अगर पॉइंट टेबल में बने रहना है तो अपने अपने मैचेस जीतने होंगे सभी टीमों को। प्रतीक त्रिपाठी
अन्नू के लिए निकल कर मारने का प्रयास। और वहां पर अगर कलेक्ट करते कुणाल तो निश्चित तौर पर खतरा हो सकता था, लेकिन एक बार में गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए, कोई नुकसान नहीं, मत तो मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज अन्नू को। छोर बदला अपना, अन्नू ने बढ़िया गेंदबाजी प्रतीक त्रिपाठी के द्वारा लाइन और लेंथ के तहत अनुशासन के तहत गेंदबाजी करते हुए। प्रतीक त्रिपाठी मोहम्मद भाई के लिए थोड़ा सा दिशा से भटके, एम्पायर का इशारा वाइट बॉल का, तो वाइट बॉल का इशारा एम्पायर प्रभाकर भैया के द्वारा, बढ़िया एम्पायरिंग देखने को मिली है पूरे टूर्नामेंट में। प्रतीक त्रिपाठी ये गेंद, बढ़िया गेंद, बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया, खिलाड़ी वहां पर पॉइंट पर मौजूद, तब तक डायरेक्ट हिट अपील। और यहां पर थर्ड एम्पायर को रिफर किया गया है एम्पायर प्रभाकर भैया के द्वारा। तो यहां पर अगर ये विकेट यहां पर हासिल कर लेती है जीसीसी की टीम तो निश्चित तौर पर पूरा पकड़ बना लेगी, यहां पर बड़ा विकेट है। और यहां पर ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज स्वयं जानते हैं कि क्या निर्णय हो सकता है, तो जितने भी दर्शक और खिलाड़ी हैं उनकी पहली नजर सीधे स्क्रीन पर, डिसीजन पेंडिंग। पिछले मैच की बात करें मोहम्मद भैया की, तो पिछले मैच में भी रन आउट हुए थे, इस मैच में रन आउट नहीं होना चाहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बड़े खिलाड़ी हैं और आत्मविश्वास पूरी तरह से काबिज हैं। तो यहां पर हरी बत्ती मिलती हुई नॉट आउट का फैसला, राहत की सांस ली होगी यहां पर मोहम्मद अहमद भाई ने। एक तरह ऐसा लग रहा था कि जान जो उनकी थी वो हलक में थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सेफ है। प्रतीक त्रिपाठी पुनः बॉलिंग रनअप पर तैयार, सामना करेंगे अनु। ये गेंद बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया, कवर ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तब तक खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती, एक रन लेने का मौका, छोर बदला अपना अनु ने। तो ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 13 रन बिना विकेट के नुकसान पर टीम कुर्ता कलेक्शन। तो रोशन आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम का चौथा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे, सामना उनका करेंगे अनु। पूरे अनुशासन के तहत गेंदबाजी करते हुए जेसीसी के खिलाड़ी, चाहे बात करें प्रतीक त्रिपाठी की और चाहे बात करें रोशन की। ये गेंद, बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल पर डाली हुई गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत कवर ड्राइव, तब तक खिलाड़ी प्रतीक त्रिपाठी के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती, एक रन लेने का मौका, छोर बदला अपना अनु ने। अब पुनः एक बार फिर से स्ट्राइक पर होंगे मोहम्मद, कप्तान कुर्ता कलेक्शन जानते हैं कि कितना बहुमूल्य मैच है उनका और उनकी टीम के लिए। ये गेंद, बढ़िया गेंद, कवर ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद,
तब तक गेंद प्रतीक त्रिपाठी के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता है। एक रन लेने का मौका छोर बदला अपना मोहम्मद अहमद भाई ने। तो रोशन बॉलिंग रनअप पर तैयार, सामना करेंगे उनका अनु। तो बॉलिंग करने में कोई प्रॉब्लम, पुनः फिर से बॉलिंग रनअप पर जाते हुए बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है अभी तक जीसीसी की ओर से। टॉप टेबल पर है, बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट। तब तक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी कुणाल गेंद को फील्ड करते, तब तक छोर बदलने का मौका। अब एक बार पुनः स्ट्राइक पर होंगे मोहम्मद अहमद भाई, काफी सीनियर खिलाड़ी हैं, इतना आत्मविश्वास है को कि वो किसी भी परिस्थितियों में मैच को बदल सकते हैं। ये गेंद बढ़िया गेंद, बैट का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीमा रेखा की तरफ, थर्ड मैन एरिया की तरफ से गेंद सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा चार रन। कैसे भी रन आए वो मायने नहीं रखता, रन आने चाहिए बस, ये मायने रखता है टीम कुर्ता कलेक्शन के लिए। तो रोशन बॉलिंग रनअप पर तैयार, सामना करेंगे मोहम्मद भाई। खराब गेंद लेकिन बैट का बाहरी किनारा लेकर गई विकेट कीपर के हाथ में, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। एक और डॉट बॉल, अगर बैट पर न लगती तो निश्चित तौर पर वाइट थी। दिशा से थोड़ा यहां पर भटकते नजर आ रहे हैं। ये जेसीसी के कप्तान जानते हैं। और ये गेंद उठा दिया है खिलाड़ी, उसके नीचे कुणाल मौजूद और विकेट का पतन। खराब बल्लेबाजी, बहुत ही बड़ा विकेट मिलता हुआ यहां पर जीसीसी की टीम को, और अच्छी बल्लेबाजी पूरे टूर्नामेंट में की है यहां पर मोहम्मद अहमद भाई ने। 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर वापस जाएंगे पवेलियन। रन नहीं आ रहे थे तो थोड़ा हलचल सी मच गई और वही खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा टीम कुर्ता कलेक्शन को कि वो अपने कप्तान का बहुमूल्य जो विकेट था वो यहां पर प्राप्त कर लिया टीम जीसीसी ने। बहुत बड़ा विकेट कहा जाएगा। तो एक बार फिर से बॉलिंग में परिवर्तन, चार ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 20 रन एक विकेट के नुकसान पर टीम कुर्ता कलेक्शन। तो दीपक आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, टीम का पांचवा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे अनु। ये गेंद बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया है, लेग साइड में खिलाड़ी मौजूद। तब तक खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड की जाती, एक रन लेने का मौका छोर बदला। ये गेंद बढ़िया गेंद और बढ़िया फील्डिंग वहां पर, गजब की फील्डिंग कही जाएगी सुधीर के द्वारा। दीपक ये गेंद बढ़िया गेंद, बैट का बाहरी किनारा लेकर गई थर्ड मैन एरिया की तरफ। तब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, तब तक छोर बदला अपना
दीपक ने, कुणाल ये गेंद पटकी गेंद लेग साइड पर मोड़ते, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, खूबसूरत फील्डिंग कही जाएगी वहां पर खिलाड़ी के द्वारा, मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अन्नू को। गैप को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो गैप मिल नहीं पा रहा है बल्लेबाज अन्नू को। काफी देर से हलचल सी मच गई है कुर्ता कलेक्शन के खेमे में। ये गेंद बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया, कवर ड्राइव किया, खिलाड़ी प्रतीक त्रिपाठी मौजूद, तो मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज दीपक को। कुणाल ये गेंद बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया अन्नू ने, खूबसूरत कवर ड्राइव, खिलाड़ी वहां पर मौजूद प्रतीक त्रिपाठी के द्वारा। तब तक गेंद को फीड किया जाता, एक रन लेने का मौका छोड़ बदला अपना अन्नू ने। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 26 रन। करंट रेट की बात करें तो 5.20 के हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है टीम कुर्ता कलेक्शन की टीम। एक जो महत्वपूर्ण विकेट यहां पर प्राप्त की है जीसीसी की टीम ने, वो ही बहुत बड़ा विकेट था, मोहम्मद अहमद भाई ड्रिंक ट्राली मैदान पर आती हुई। तो थोड़ा सा तो पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर 25 रन एक विकेट के नुकसान पर। कुणाल ये गेंद बढ़िया गेंद, मैदान से आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का छठवां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे। और सामना दीपक तीन गेंदों पर तीन रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ये गेंद दिशा से भटके और कीपर से फिर बीट और अंपायर का इशारा, चार रन यानी वाइट बॉल का इशारा और चार, टोटल पांच रन बिना किसी गेंद के, खराब गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी कही जाएगी यहां पर। हेलो, खराब गेंदबाजी कही जाएगी मैदान के द्वारा। ये गेंद बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट, तब तक लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी कुणाल के द्वारा, सॉरी सुधीर के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता, मात्र एक रन लेने का मौका। ये गेंद बढ़िया गेंद, फॉलर थ्रू में खुद बॉलर्स के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया और लगातार अच्छी गेंद जी, जैसे लगातार समझाते हुए जीसीसी के खिलाड़ी आपस में बातचीत करते हुए। ये गेंद बढ़िया गेंद, पटकी गेंद, बैट का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन एरिया की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तो मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज अन्नू को। शॉट जो सिलेक्शन कर रहे हैं, गैप खोज रहे हैं लेकिन वो गैप मिल नहीं पा रहा है बल्लेबाजों को, चाहे बात करें अन्नू की और चाहे बात करें दीपक की। ये गेंद बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, छोटे कद के खिलाड़ी हैं, 18 नंबर जर्सी के साथ फील्डिंग कर रहे हैं, नाम है क्रिस, बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली है।
ऐसे खिलाड़ियों की आवश्यकता भी होती है। टीमें निकलकर मारने का प्रयास, स्टेट पर खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। तब तक सुधीर के द्वारा गेंद को फीड किया जाता, तब तक एक रन लेने का मौका खोला अपना अन्नू ने। बढ़िया बल्लेबाजी और बढ़िया गेंदबाजी। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम कुर्ता कलेक्शन। तो बढ़िया गेंदबाजी अभी तक पूरी तरह बांधे कर रख दिया है टीम कुर्ता कलेक्शन को। और कुर्ता कलेक्शन के खिलाड़ी ये जानते हैं कि कितना बहुमूल्य मैच है उनका और उनकी टीम के लिए। बड़ा मैच है ये, लगातार समाप्ति पर स्कोर 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे प्रतीक मणि त्रिपाठी आते हुए, जो गोरखपुर के बहुत ही बड़ा नाम है, 28 नंबर की जर्सी में ये शानदार खिलाड़ी अपने कोटे का तीसरा ओवर अन्नू के लिए। अन्नू बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन अभी वो जो कप्तान ने उन पर भरोसा जताया था पूरी तरह खड़े नहीं उतर पा रहे। मारने का प्रयास, कवर ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। अच्छी गेंद प्रतीक की, पहली बॉल लाइन पे डाला और यहाँ पे बीट कराया अन्नू को। प्रतीक त्रिपाठी सबसे महंगे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के, गजब की गेंदबाजी कही जाएगी। ये गेंद थोड़ा दिशा से भटके और गेंद सीमा रेखा की तरफ, एम्पायर का इशारा चरण। बढ़िया शॉट कहा जाएगा यहां पर। स्लोअर डालना चाहते थे पर मेरे ख्याल से बॉल हाथ से फिसल गई, इसलिए फुल टॉस पड़ गई। और अच्छा शॉट यहाँ पे अन्नू द्वारा, 4 रन जोड़े टीम के लिए। लगातार थोड़ा दिशा से यहां पर भटके, बढ़िया गेंद और बढ़िया बल्लेबाजी। तब तक लॉन्ग आउट पर खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता, अन्नू के पास इतना मौका था कि वो अपना छोर बदल सके। तो मोहम्मद भैया को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो कैसी रणनीति रखते हैं, इतनी अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन वो आज कारनामा नहीं कर पाए जो वो चाहते थे। देखिए रणनीति क्या, पहला मकसद है मैच जीतना किसी भी तरीके से, और उसके लिए है कि हम बोर्ड पे एक बड़ा स्कोर दें क्योंकि सामने वाली टीम बहुत ही बैलेंस, बहुत अच्छी टीम है और अपने 3-4 मैच जीत करके आई है। और आज हम खेल रहे थे चूँकि सामने एक बहुत ही अच्छा बॉलिंग अटैक था प्रतीक त्रिपाठी, जो कि गोरखपुर के हमारे ख्याल से, हमारे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं और बेहतरीन बॉलर हैं। इनको जब भी हमने बैटिंग किया हमेशा हमने मुश्किल से बैटिंग की है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बल्लेबाज को समझ के बॉल करते हैं और बहुत ही सेंसिबल क्रिकेटर हैं, बहुत ही यंग हैं, बहुत ही डायनामिक हैं। और दूसरा बॉलर रोशन बहुत ही क्विक बॉलर है, तो उन दो बॉलर्स को पहले तो हमारा था कि उनको विकेट नहीं देना है, उनको सेंसिबल खेलना। खैर हम लोगों कुछ हद तक कामयाब हो गए थे लेकिन एक ख़राब बॉल मुझसे मिस हुआ जो कि वाइड भी हो सकता था, वो बॉल मिस हुआ। उसके बाद हम ज़बरदस्ती का एक शॉट मिड विकेट पे खेलने गए, एज लगा, टॉप एज लगा और हम कैच हो गए। खैर हमारे अभी दो मेन बल्लेबाज विकेट पे हैं जो कि बहुत सेंसिबल हैं, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, वो खेल रहे हैं और स्कोर हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम 60 प्लस करते हैं तो हमारा बॉलिंग अटैक इस तरह का है कि हम उसको डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे और कर भी सकते हैं। तो फिलहाल हमारा टारगेट है 60 प्लस और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी हमारे 2-3 अच्छे बल्लेबाज पवेलियन में बैठे हुए हैं जिनसे हमें काफ़ी उम्मीद है। सामने वाली टीम भी 3 मैच जीत करके काफ़ी रिलैक्स है। हम लोगों के लिए डू और डाई सिचुएशन है, हम एज ए नॉकआउट इस मैच को खेल रहे हैं। तो बस एक अच्छी क्रिकेट खेलनी है, मकसद ये है, पहला मकसद 43 रन। और अगर रिजल्ट हमारे फेवर में आता है तो भाई इससे अच्छी कोई बात नहीं। बहुत बहुत अच्छी सोच, एक खिलाड़ी की पहचान होती है गजब
के कप्तान हैं और अपने खिलाड़ियों से। और यहाँ पे कुणाल का दूसरा ओवर, न्यूनतम यहाँ पे तीसरे बॉलर हैं अपने टीम के। और अच्छी गेंद और सूझबूझ तरीके से खेला दीपक ने, काफी सूझबूझ तरीके से अपने टीम के लिए रन जोड़े हैं यहाँ पे। 8 गेंदों में 8 रन बना के खेल रहे दीपक। और यहाँ पे कुणाल की दूसरी बॉल अन्नू के लिए। और यहाँ का अच्छा शॉट बहुत ही प्यारा अन्नू द्वारा। अच्छी बैटिंग यहाँ पे अन्नू के द्वारा देखने को मिली है। 22 गेंदों में 23 रन बना के खेल रहे अपने टीम के लिए। ओ और यहाँ पे खूबसूरत बॉल यहाँ पे पुल करना चाहते थे पर इनसाइड एज लगा और यहाँ पे 1 रन प्राप्त किए टीम के लिए। और यहाँ पे स्ट्राइक पे दीपक 8 गेंदों में 8 रन बना के खेल रहे हैं। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो कुणाल बॉलिंग रन पर तैयार, पटकी गेंद बैकफुट पर जाकर पंच किया। खिलाड़ी वहां पर क्रिस मौजूद, ऐसे खिलाड़ी हैं कि गेंद को अपने अगल और बगल से नहीं जाने देते हैं। तारीफ करनी होगी, गजब की फील्डिंग यहाँ पर बराबर देखने को मिल रही है। लगातार अच्छी ये गेंद, बढ़िया गेंद, खिलाड़ी मौजूद और सीधा हाथ में दे बैठे हैं। बहुत बड़ा झटका यहाँ पर टीम कुर्ता कलेक्शन को लगने वाली ये दूसरा झटका। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम कुर्ता कलेक्शन। एक अच्छा टोटल देना होगा टीम कुर्ता कलेक्शन को अगर जेसीसी के खिलाफ मैच में लड़ाई करनी है तो, क्योंकि काफी मजबूत टीम है, टेबल टॉप पर अभी तक स्थान को कायम रखा है। और यहाँ पे स्टोक्स आए हैं, काफी घातक बल्लेबाज, आते ही प्रहार करना जानते हैं। और यहाँ पे रोशन पे भरोसा किया है और यहाँ पे तीसरा ओवर रोशन का। तो रोशन अपने कोटे का तीसरा यानी कि अंतिम ओवर लेकर, टीम का 9वां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे। और सामना स्टोक्स अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जैसे ही उनके कप्तान उनसे आशा रखते हैं, मोहम्मद भाई उनसे आशा रखते हैं कि वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं, क्या उनकी आशाओं को खरे रख पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं और अच्छी बल्लेबाजी करना वो जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में कैसी बल्लेबाजी करना चाहिए, वो देखना होगा कर पाते हैं या नहीं। रोशन 4 नंबर जर्सी के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाएंगे और सामना उनका स्टोक्स करेंगे। और यहाँ पे स्टोक्स अपने कोटे का तीसरा ओवर लाते हुए रोशन, और देखना होगा कि किस तरह से गेंदबाजी करते हैं स्टोक्स को। हालांकि इन्होंने 2 ओवर में 11 रन खर्च किए हैं और पहली बॉल एम्पायर का इशारा वाइट, थोड़ा सा दिशा से भटके और एम्पायर जैसे ही दिशा से भटके वैसे ही एम्पायर के दोनों हाथ हवा में उड़ते हुए, वाइट बॉल का इशारा एम्पायर प्रभाकर भैया के द्वारा।
और यहाँ पर बाल बाल बचे। अगर डायरेक्ट थ्रो लग जाता तो निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ता स्टोक्स को, बड़ा विकेट प्राप्त कर सकती थी टीम जीसीसी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपनी क्रीज पर सुरक्षित। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शॉट अनु द्वारा कट कर दिया है यहाँ पे पॉइंट की दिशा में, और यहाँ पे चार रन। गजब की बल्लेबाजी अगर अनु, अगर यहाँ पे अनु को शांत करना होगा तो उन्होंने विकेट पे ही बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अच्छे प्लेयर हैं, गंदी गेंद को तुरंत। अच्छा शॉट यहाँ पे, एक रन जोड़े टीम के लिए। अनु अनु जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, ओपनिंग आए थे और जब मोहम्मद भाई का विकेट यहाँ पर गिर गया था तो पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखी, और वो पूरी जिम्मेदारी जो उनके कप्तान उनसे आशा करते थे वो पूरी तरह निभाते हुए। और यहाँ पे बेन स्टोक्स ने जब पहली बॉल खेली थी तो अपनी मनसा साफ जाहिर कर दी थी कि मैं तो भाई प्रहारी करूंगा, आप कहीं भी फेंके। एक बार और चलाया है बैट को, और यहाँ पे मिड ऑफ के क्षेत्र में एक रन। स्टोक्स जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अनु को दी जाए, और वही कर भी रहे हैं क्योंकि अनु पूरी तरह क्रीज पर जम चुके हैं और जानते हैं कि कितना बहुमूल्य मैच है पॉइंट टेबल में बने रहने के लिए उनके टीम के लिए। स्वीप करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, तो मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज कुणाल को। और एक बार फिर स्टोक्स ऑन स्ट्राइक। स्टोक्स जैसा नाम है वैसा काम। अभी बैट का बाहरी किनारा लेती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और विकेट का पतन। और स्टोक्स जैसी उनके कप्तान उनसे आशा करते थे वो कारनामा यहां पर नहीं कर पाए, और एक बड़ा शॉट मारने के प्रयास में सीधे विकेट कीपर को कैच दे बैठे। खामियाजा भुगतना पड़ा, अपना बहुमूल्य विकेट देकर जा रहे हैं। और यहाँ पे 9 ओवर की समाप्ति पे 60 रन। और यहाँ पे मनीष झा है बैटिंग करने के लिए, और यहाँ पे पहले इनिंग का लास्ट ओवर मदनेश आए हैं। तो 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जैसे उनके कप्तान उनसे आशा रखते थे एक अच्छा टोटल देना है, जहां तक कहीं ना कहीं इतने बोर्ड पर रन लगा दिए कि वो लड़ने के लायक हो सके। गजब की बल्लेबाजी, एक तरह ऐसा लग रहा था कि बैक फुट पर पूरी तरह चली गई लेकिन वापसी करने में समय नहीं लगा। टीम कुर्ता कलेक्शन को तारीफ करनी होगी बल्लेबाज अनु की, पूरी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए। गेंद, बढ़िया गेंद मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। मात्र 5 गेंदों का खेल शेष इस इनिंग में। अच्छी गेंद यहाँ पे मदनेश की, और यहाँ पे दूसरी बॉल। और यहाँ पे नॉन स्ट्राइक इंड पे थ्रो किया, यहाँ पे जरूरत नहीं थी थ्रो करने की, आपको यहाँ पे एक एक रन बचाने होंगे।
अच्छी बॉल मैदानश की, अभी ने बैट्समैन को बांध रखा है। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे, और यहाँ पे मनीष झा पहली बॉल खेलेंगे मैदानश की। 3 गेंदें शेष और अच्छा स्लो आ रहा है, यहाँ पे पिक कर दिया है और अच्छा शॉट पर वहां पे फील्डर मौजूद कुणाल। तो दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी अनु ने मना किया। अनु जानते हैं कि जितना हम स्ट्राइक पर हैं उतना बेनिफिट होगा टीम कुर्ता कलेक्शन के लिए। शुरू से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जानते हैं कितनी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, उनके कप्तान के द्वारा उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी दी गई है बेखूबी साथ निभा रहे हैं। बढ़िया गेंद, तब तक गेंद को प्रतीक त्रिपाठी फील्ड करते, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और यहाँ तारीफ करनी होगी मैदान की, अच्छी बॉलिंग यहाँ पे डेथ ओवर में, एक भी गंदी बॉल नहीं डाला अभी तक, बैट्समैन को अच्छे तरीके से बांध रखा है, कोई भी लॉफ्टेड शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहा है। और यहाँ पे अच्छी गेंद और यहाँ पे कवर के एरिया में क्रिस, वहां पे फील्डर मौजूद और यहाँ पे डबल लेना चाहते हैं और यहाँ पे रन विकेट। अच्छी फील्डिंग क्रिस की और यहाँ पे मनीष झा आउट होते हुए। तो बढ़िया बल्लेबाजी, जैसे उनके कप्तान उनसे आशा रखते थे वैसे यहाँ पर बल्लेबाजी की है। चाहे बल्लेबाज अनु की बात करें, चाहे उनके साथी खिलाड़ियों की बात करें, एक तरह ऐसा लग रहा था कि इतना अच्छा टोटल यहाँ पर नहीं दे पाएगी, लेकिन तारीफ करनी होगी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, गजब की बल्लेबाजी। और अगर यहाँ पर जीसीसी की टीम को जीतना है तो 10 ओवरों में 67 यानी 67 रन बनाने होंगे जीत के लिए। तो क्या जीसीसी ये मैच जीत पाएगी और क्या कुर्ता कलेक्शन इस स्कोर को डिपेंड कर पाएगी, ये देखना होगा। गजब। तो एम्पायर, दोनों एम्पायर से मेरा निवेदन है कि मौसम को मद्देनजर रखते हुए मैच को पुनः स्टार्ट कराएं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं लिया जा सकता है। तो टीम कुर्ता कलेक्शन के कप्तान से मेरा निवेदन है कि फील्ड सजा लें, क्योंकि मौसम कभी भी अपना करवट बदल सकता है। तो हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं वो कवर्स के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाएं। तो टीम कुर्ता कलेक्शन और मैं वॉलंटियर से अनुरोध करूंगा कि कवर्स के पास चले जाएं, थोड़ा बूंदी बांदी शुरू हो चुकी है, जो बूंदे हैं वो धीरे धीरे पड़ने लगी हैं। भगवान से यही आशा करेंगे कि ये जो बरसात हो रही है इसे थोड़ी देर के लिए रोक दें। तो 7वें दिन का ये दूसरा लीग मैच कुर्ता कलेक्शन वर्सेस जीसीसी के मध्य खेला जा रहा है। आइए बिना कुछ देरी के आप सभी दर्शकों को सीधे ले चलता है रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर की ओर, जहां पर लेट सरोज श्रीवास्तव मेमोरियल टेनिस बॉल टूर्नामेंट
2022 के पहले संस्करण के सातवें दिन का आंखों देखा हाल सुनाएंगे बिना किसी देरी के। खिलाड़ी जितने भी वॉलंटियर है वो ध्यान दें धीरे धीरे। जीसीसी के बल्लेबाज क्रिस और मेदांस आए हैं। और यहाँ पे स्ट्राइक लेंगे मेदांस, काफी अनुभवी बल्लेबाज। और यहाँ पे नॉन स्ट्राइक पे क्रिस जिन्होंने तो फील्ड यहाँ पर सस्ती हुई टीम गुप्ता कलेक्शन की। अगर ये मैच जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छा क्षेत्र रक्षण दिखाना होगा। और अगर जीसीसी को ये मैच जीतना है तो अच्छी बॉलिंग पे धर्मेंद्र यादव, वॉलंटियर जितने भी हैं तुरंत कवर के पास पहुंच जाएं। और थोड़ा जल्दी जाएं कवर्स के पास क्योंकि बारिश थोड़ी तेज हो चुकी है। और यहाँ पे धर्मेंद्र यादव लेफ्ट आर्म का ये गेंदबाज पे पहली बॉल फुल टॉस बॉल, अनुमान फायदा नहीं उठा पाया यहाँ पे, फील्डर के हाथ में कोई भी रन नहीं। और यहाँ पे दूसरी गेंद ओवर की, ओ अच्छी बॉल यहाँ पे, फिर से कवर्स के एरिया में खेलना चाहते थे पर वहां पे फील्डर मौजूद, कोई भी रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे धर्मेंद्र यादव की, लगातार अच्छी गेंदबाजी। ओ, अच्छी बॉल यहाँ पे लगातार बीट होते हुए खिलाड़ी चकाया मेदांस को, लगातार तीन डॉट बॉल, ये कहीं ना कहीं खामियाजा भुगत सकती है टीम जीसीसी। गजब की गेंदबाजी कही जाएगी 6 नंबर जर्सी के साथ गेंदबाजी। गेंद बढ़िया, गेंद ब्लॉक होल पर डाली हुई गेंद, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई। तब तक यहाँ पे अपना और टीम का खाता खोला है एक रन से मेदांस ने। अच्छी गेंद धर्मेंद्र यादव की, 4 गेंदों में 1 रन दिए हैं यहाँ पे बस। और यहाँ पे क्रिस पिछले मैच के मैच दो मैच यहाँ पे स्ट्राइक पे, देखना क्या करते हैं अपने टीम के लिए। ओ वेरी नाइस बॉलिंग, बहुत ही अच्छा, पूरी तरीके से चारों खाने चित किया बैट्समैन को, बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पे। लगातार अच्छी गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे, 1 रन का ओवर यहाँ पे, बहुत ही अच्छा कुर्ता कलेक्शन के लिए, शुरुआत तो अच्छी हुई है। अब देखना होगा जीसीसी के बल्लेबाज क्या क्या कर सकते हैं।
तो एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 1 रन बिना विकेट के नुकसान पर। क्या गजब की गेंदबाजी की धर्मेंद्र यादव ने, मात्र 1 रन दिया है। पटकी गेंद बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन, खराब गेंदबाजी। खराब गेंदबाजी यहां पर कही जाएगी। हेलो